हॉट न्यूज इंडिया देख रहे तमाम दर्शकों का मैं सुनीता स्वागत करती हूं। आज तक की मुख्य खबरें इस प्रकार है। कोरोना पीड़ितों का विश्व में आंकड़ा पहुंचा 19 लाख के पार। जीरकपुर में प्रशासन ने बंद किए लिंक रोड। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में भी कर्फ्यू 3 मई तक बढ़ा। डीपीआरओ मनविंदर सिंह बने लोक संपर्क विभाग के डिप्टी डायरेक्टर। जलंधर पठानकोट पेट्रोलिंग ट्रेन में लगाया गया स्पेशल कोच। पिछला बकाया न मिलने से आड़तियों ने की हड़ताल। नई हुई गेहूँ की खरीद। जलंधर में कर्फ्यू के दौरान लाखों की हुई चोरी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाहर हुआ हंगामा। बिना मास्क पहने फोटो खिंचवाने का मामला पहुंचा सीएम डीजीपी व सीपी के द्वार। यह थे मुख्य समाचार। नए समाचार को लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इसके बारे में, ये जो ट्रेन है इसका रूट बनता है हमारा करतारपुर का, और करतारपुर से जलंधर वापस और पठानकोट, पठानकोट से फिर वापस। ये डेली पेट्रोलिंग के लिए जाती हैं। इसमें हमारे बंदे चलते हैं साथ में, जो ट्रैक की मेंटेनेंस वगैरह देखते हैं। और बाकी ये साथ में जोड़ा गया है एक कोच और एक्स्ट्रा, इसके में मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जोड़ा गया है। देखो, हम तो कभी कभी आते हैं, मतलब कभी कौन से ड्यूटी पे जाते हैं, कभी कौन से ड्यूटी पे जाते हैं। तो मैं तो उस पर पहली बार ही जा रहा हूँ, पहली दूसरी। हाँ जी, हाँ जी, मेरे से पहले जो गार्ड आए हैं वो बताते थे कि वो इस पर गए हैं, क्योंकि मेरा नंबर इस पर कभी कभी लगता है ना, बताया ना आपको कि कभी नंबर लगता है तो उसी के अकॉर्डिंग जाती है। हाँ जी मैम। हाय, सत श्री अकाल, मेरा नाम डॉक्टर आरसी सिंगला है। मैं बेसिकली रेलवे से डॉक्टर हाँ, तो आज मैं अपॉइंट किया गया है कि जेड़ी भी एक स्पेशल ट्रेन लगाई गई है फ्रॉम जलंधर टू पठानकोट, तो जेड़ा भी लाइन ड्यूटी स्टाफ है असी उन्होंने काउंसलिंग करना है, उन्होंने सिम्टम्स देखने हैं, तो साड़ी जेड़ी भी गाइडलाइंस हैं असी उन्होंने फॉलो करके स्क्रीनिंग करनी है साड़े रेलवे स्टाफ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਂਟਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਾਈਲ ਗੇਟ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭੇਜਦਾ, ਹੁਣੇ ਭੇਜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟਾਫ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ?